एसएससी में जो हो रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। बहुत लोगों की जिंदगियां लगभग खत्म सी हो रही हैं। एग्जाम में 80% कट ऑफ का जाना ये दर्शाता है कि आपको पेपर लेना ही नहीं आता। 18 तारीख वाले मेंस में बच्चों के 200 नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन ना होना क्या साबित करता है कि जान निकाल के रख दूं पेपर के अंदर तब मेरा सिलेक्शन होगा। कल जब से 18 का रिजल्ट आया है 2019 एग्जाम में 18 तारीख वाले बच्चे इस तरीके के मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं सुसाइड कर रहा हूं मुझे बचा लो। रात के 3 बजे तक मैं 25 बच्चों से बात करके कन्विंस कर रहा हूं कि इंतजार करो कुछ करेंगे। हम सरकार को इसलिए लेकर आए थे कि यह सरकार पहले वाली सरकार से भी बेहतर काम करेगी और हमें रोजगार देगी, बट इस सरकार ने तो सारे रोजगार खत्म कर दिए। महंगाई चौथे आसमान पे है, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया कि अब आप बाइक नहीं चला सकते, रसोई गैस की कीमत इतनी बढ़ गई कि पाएगा। एक तरफ तो आपने कमाने के साधन छीन लिए, एक तरफ आपने हर चीज का मूल्य बढ़ा दिया और आप कहते हैं हम करप्शन करते नहीं और जनता कहती है यह सरकार बहुत अच्छी है। 2019 में इंडिया करप्शन के स्थान पे 80 नंबर पे थी और 2020 में वही 86 नंबर पे हो गई। मैं पूछना चाहता हूं अभी तो जांच बैठी नहीं तब 6 अंक आगे निकल गई, जिस दिन जांच बैठेगी तो पता चलेगा ना कि करप्शन हो कितना रहा है। क्या बिना करप्शन के वैकेंसी खत्म हो गई? एक सीट कम, जो सीट है उस पर भी करप्शन, टाइम से लेंगे नहीं, पेपर सही बनाएंगे नहीं, पेपर में क्वेश्चन गलत डाल के भी 100-100 रुपए वसूलेंगे, उसको भी पैसा वसूलने का धंधा बनाएंगे। एक एक साल में 2 रिजल्ट एक साथ देंगे, बच्चे को कंफ्यूज करेंगे कि तुम 18 भी भरो तुम 19 भी भरो, उसे उलझाए रखेंगे, रिजल्ट इतना लेट कर देंगे ताकि वो बोल ही ना पाए, टूट जाए। जैसे कहते हैं ना कोई अगर आपसे उधार पैसा ले ले उसको हर दिन कॉल करने दो, रोज उसे घर आने दो, एक दिन वो आना भूल जाएगा, अपने पैसे भूल जाएगा कि भाई मैं इससे ज्यादा परेशान नहीं हो सकता। कल इन्होंने रिजल्ट दिया और मार्क्स के बारे में बोल दिया बाद में देंगे। अब ये पता है मार्क्स कब देंगे? ये मार्क्स देंगे 3 महीने बाद, जब आप लगे होंगे 2020 की तैयारी में, आपका ध्यान 2020 की तैयारी में होगा, आप कुछ कह नहीं पाओगे। अरे कब तक सहेंगे हम? अब युवाओं की हुंकार लेके रहेंगे रोजगार, अब अगर रोजगार नहीं मिला ना तो देश स्तर पर उठा लेंगे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारी मांगे क्या है? आज ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उन सब लोगों का दर्द बयां कर रहा हूं जो 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपकी एक गलती की वजह से उनकी जिंदगी खत्म हो जा रही है। एज रिकॉग्निंग इशू लगातार 2015-16 तक एज अगस्त से काउंट होती थी, अभी कोरोना काल था आपको छूट दे सकते थे लेकिन आपने फिर से 1 जनवरी से एज काउंट कर दी, नहीं होने देंगे आपको, अगस्त से वापस काउंट करनी पड़ेगी। एक छोटी सी गलती, अभी जो लोग नए जुड़ेंगे जिनको पता नहीं है एसएससी के बारे में, मैं उन लोगों को बता दूं कि ये एक मेंस के पेपर को 3 दिन में लेते हैं, 15-16-18। 15-16 का पेपर ये नॉर्मल बनाते हैं, 18 का पेपर ये इतना हलवा बना देते हैं जिसमें बच्चों के 200-200 नंबर आते हैं, 90-95। अब जब ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो वो सारे बच्चे बाहर हो गए। अब आप एक बात बताइए, जिस बच्चे का नॉलेज, जो खुद से 200 नंबर ला सकता था, जो बच्चा खुद से 200 नंबर ला सकता था वो अपना पेपर 1.25 घंटे में करके बैठा, तो आपने उसका स्किल कहां टेस्ट किया? वो तो 1.25 घंटा उसका बर्बाद हो गया पेपर के अंदर। और अब आप वो उन बच्चों के मुकाबले कम है और उनको आपने 160 पे ला दिया और उन किसी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ये कहां की इंसानियत है? अब आपको 2019 का 18 वाला मेंस दोबारा कराना होगा, लड़ाई उस मेंस को दोबारा कराने की है। जब आप 20 लाख बच्चों का प्री 20 दिन में करा सकते हो तो आप 1.5 लाख बच्चों का मेंस एक दिन में क्यों नहीं करा सकते? क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं रहे अब कि आप पेपर का लेवल एक जैसा रख सको? मतलब आपने एग्जाम का मजाक बना दिया है, क्योंकि आपको करप्शन को दबाना कैसे है ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब बच्चा पेपर देके आता है तो उछलता है हवा में, 190 का कराया, 3 महीने बाद रिजल्ट देते हो उसका सारा हौसला टूट चुका होता है। 190 नंबर का 200 नंबर का 200 में करने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पिछले 2 साल से लगातार कट ऑफ 80% जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 80 नंबर कट ऑफ जाना कितना सही है? क्या आप पेपर का स्तर नहीं बढ़ा सकते जिससे आप उन बच्चों को भी सेलेक्ट कर पाए जिनके अंदर वास्तव में टैलेंट है? अगर एसएससी अपने एग्जाम में एबीसीडी देने लगे तो कैसे यह निर्धारित होगा कि कौन बच्चा कौन नहीं? अब सरकार से हिसाब मांगना पड़ेगा, अब हमें बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। 2020 के लिए क्या कदम उठाने हैं?
प्री क्वालिफाई करो अगर एक दिन में नहीं करा सकते तो, मेंस एक दिन में कराना होगा। 18 नवंबर वाला मेंस दोबारा होना चाहिए। एसएससी के अंदर वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। 80% कट ऑफ क्यों जा रही है? पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाओ, भले ही सिलेबस के अंदर होना चाहिए पेपर, जब इलेक्शन का रिजल्ट 7 दिन में आ सकता है और एसएससी का रिजल्ट अब तक नहीं आया 2018 का, हम 2021 में, 2018 का रिजल्ट आपने फाइनल नहीं किया और बच्चों को 2019 का चस्का दे रहे, लो चूटो लॉलीपॉप चूसो भैया, बच्चे को ध्यान ही नहीं है कि उसने 18 भी दिया था, सो गया है वो बच्चा। मोदी जी कहते हैं मैं अभी देश के लिए ऐसा कर रहा हूं, आगे पता चलेगा, डिमोनेटाइजेशन हुआ आगे पता चलेगा। जैसे एक बाप ये कहे अपने बेटे को रोटी भी ना दे और कहे कि बेटा मैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं। आगे आने वाली पीढ़ी तो जब आएगी जब ये बेटा जिंदा रहेगा, आगे आने वाले लोग तो तब आएंगे जब युवा जिंदा रहेगा, जब हम लोग जिंदा रहेंगे। किसके लिए कर रहे हैं मोदी जी? अब मैंने ये डिसाइड किया है कि 5 दिन के अंदर हम ये हैशटैग चलाएंगे, Modi_Rozgar_2। 5 दिन के अंदर, यानी आज 25 तारीख को सुबह 11 बजे, पहली चीज। और जितनी भी आप देखिए, ये मीडिया जो है पारी हो रही है ये दिखाती है, ये मीडिया श्वेता का ऑडियो वायरल हो गया ये दिखाती है, ये मीडिया विनोद दिखाती है, ये मीडिया जुमाटो वाला सोनू दिखाती है, ये मीडिया तैमूर ने किस कलर का कच्छा पहना ये दिखाती है। इस मीडिया को ये नहीं पता कि युवाओं का दर्द क्या है। अगर मीडिया ने ये टॉपिक नहीं दिखाया, ये अनफेयरनेस नहीं दिखाई, तो आप सबको मेरी कसम है कि सारे मीडिया जाके रिपोर्ट करो, हम दिखाएंगे कि इनका आईटी सेल हमारी ताकत के सामने कितना तुच्छ है और हम क्या कर सकते हैं। मेरी सब युवाओं से गुजारिश है कि आप सब इनकी वीडियो को जाके मजबूर कर दीजिए लाइक डिसलाइक बटन को बंद करने के लिए, इतने कमेंट करिए, इतनी वीडियो इनकी रिपोर्ट करिए, मोदी जी की मन की बात को डिसलाइक करिए। और एक बात जो मैंने पहले भी कही थी, क्योंकि अब यह मुद्दा पूरे देश में फैलना चाहिए, लोगों को पता चलनी चाहिए कि हम किस तरीके से जूझ रहे हैं नौकरी के लिए, कितनी परेशानी हमारे जीवन में है। लोग कह देते हैं, सरकार कह रही है ट्विटर ऐप भी बंद हो जाना चाहिए। वाह, कमाल की बात है, मतलब अब इस डेमोक्रेटिक देश में अपनी आवाज उठाना भी दुश्वार हो गया है। आप नहीं कह सकते, आप मर जाइए, आप सुसाइड कर लीजिए, आप जिंदा मत रहिए, बट आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते। ये कुछ कुछ मुझे ऐसी बात याद आ रही है, जब मेरी गर्लफ्रेंड से कोई लड़का बात करता था तो मैं उसको नहीं समझा सकता, उस लड़के को जाके कहता था तू उससे बात मत कर, बहुत बढ़िया। अभी एनालिसिस होता था, अब एनालिसिस पे आईबी ने ये कहा एनालिसिस नहीं होना चाहिए, आप एनालिसिस रोक देंगे और जो बच्चा घर घर जाके बताएगा, इससे आपको पता है क्या होगा, अब एनालिसिस भी बिकने लगेगा दूसरी दूसरी एप्स पे, कि लोग अब एनालिसिस खरीदेंगे, यूट्यूब पे नहीं आएगा और आपको पता नहीं चलेगा। आपको क्या करना चाहिए था कि हर पेपर का हम लेबल बदल देंगे, करो एनालिसिस कितना करोगे, आप अच्छा कुछ नहीं कर सकते। मतलब सरकार ने जॉब देने को इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि इससे उनको कोई मतलब नहीं है किसी की जॉब लगे किसी की नहीं। जब इस देश में चुनाव दोबारा हो सकता है तो 2019 का 18 नवंबर वाला पेपर भी दोबारा हो सकता है, और क्यों ना हो। आपने ऐसा पेपर क्यों बनाया कि बच्चे के 200 नंबर आए, और जब बच्चे के 200 नंबर आए तो आपने उसे क्यों बाहर कर दिया, किस बेसिस पे आपने बाहर कर दिया, हमें इसका जवाब चाहिए। अब रिफॉर्म्स होके रहेंगे, जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी हैं, मैं एक एक का क्या नाम लूं, मेरी इन सबसे गुजारिश है कि हमारा साथ दीजिए इसमें। जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं जिनको लोग बहुत जानते हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो बनाएं। मैं स्पेशली नाम लेता हूं यहां पे लोगों का, ताकि वो लोग वीडियो बनाएं। ऐसे लोग